अस्सलाम वालेकुम, सबा सेहत ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है संडे, तो आज हम बना रहे हैं खीर पूरी, जो रजब के न्याज में बनते हैं। जैसे भरी हुई पूरी और खीर बना रही हूँ मैं, तो मैं उसकी यहाँ कुछ तैयारी कर रही हूँ, बताती हूँ आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे चावल धो के इसको सूखने रखी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, 1 से 1.5 लीटर की खीर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ चावल सूखने रखी हूँ, और ये शक्कर है जो मैं खीर में डालने वाली हूँ, और ये है ड्राई फ्रूट जो मैं खीर में डालने वाली हूँ। इसको मैंने काट के, मैंने इसको मैंने रात में भिगा दी थी, और दोपहर में मेरे को टाइम था, तो मैंने इसको अच्छे से बारीक काट के रखी हूँ। और ये ड्राई फ्रूट है, इसको मैंने थोड़ा दरदरा पीस ली हूँ, इसको मैं भरी हुई पूरी बनाने वाली हूँ। और ये शक्कर है, इसको भी मैं हल्के से एक यानी मिक्सर में एक राउंड मार दी हूँ। और ये सूखा खोबरा है जो कुरची हूँ, ये पिसा हुआ जो ड्राई फ्रूट है ये इसमें मिलाऊंगी, और ये मैं खीर में मिलाऊंगी। और ये शक्कर पिसी हुई, और ये ड्राई फ्रूट पिसा हुआ, और ये खोबरा, ये मैं इस भरी हुई पूरी में मिलाऊंगी। यहाँ पे मैंने दूध ली हूँ, यहाँ पे ये 1/2 किलो के करीब मैदा है, इसको मैं दूध से कलाऊंगी, यानी आटा जैसा गूंथते हैं वैसा मैं इसको पानी से नहीं दूध से कलाऊंगी के लिए। और मैंने गैस पे दूध रखी हूँ, तो ये गैस पे मेरा दूध गर्म हो रहा है, मैं इसको आराम से गर्म होने के लिए अच्छा रखी हूँ, ताकि ये अच्छे से हल्के आंच पे अच्छे से पके और दूध अच्छा गाढ़ा हो जाए, जब तक हम लोग पूरी की तैयारी करेंगे। सब आटा गूंद रही है, और मैं अभी ये ड्राई फ्रूट में खोपरे में ये ड्राई फ्रूट मिक्स कर लूँगी मैं। मैंने आपको बताई थी मेरी मम्मी के दांत नहीं है, तो उनको थोड़ा कड़क चबाने नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये ड्राई फ्रूट को अच्छे से पीस ली हूँ, ताकि मेरी मम्मी भी शौक से ये पूरी खा सके, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट अक्खा रहता है, तो उनको ये पूरी खाने जमता नहीं है। और मैं जो खोबरा भी कुरची हूँ, तो एकदम बारीक वाली जो रहती है खोबरा कुरचनी, उससे खोबरा कुरची हूँ मैं। तो अभी ये मैं ड्राई फ्रूट देखो ये पूरा मिला दी हूँ इसके अंदर, अभी मैं इसमें शक्कर भी मिला दूँगी। अभी हम लोग इसमें जितनी भरी हुई पूरी बनेंगी उतनी पूरी बना लेंगे। अभी मैं इसको चेक करूंगी, सभा को बोलूंगी देख ले मीठा बराबर है कम है ज़्यादा है, अगर कम लगा तो इसमें थोड़ी शक्कर और डालूंगी। अब आटा गूंद के हो जाएगा, फिर इसकी छोटी छोटी पूरी बेलेंगे और इसको भर देंगे, अगर आटा बचेगा तो फिर मैं सादी पूरी बना दूंगी। अभी ये चावल मेरे थोड़े गीले हैं, गर्मी बहुत है, अभी 5-10 मिनट में देखो अभी डाली थी चावल, माशाल्लाह से एकदम ये हो गया। अभी इसको भी मिक्सर में पीस लूँगी मैं, तो मेरे खीर की भी तैयारी हो जाएगी। फिर शाम में मुझे आज बच्चों का गेम भी डालने का है, उसकी भी तैयारी करने का, अगर ये फटाफट हो गया तो फिर शाम में आज बहुत दिनों के बाद बच्चे लोग को गेम खिलाने का है। बच्चे आके पूछ रहे आंटी गेम खिलाएंगे क्या, गेम खिलाएंगे क्या। मैं गेम इसलिए नहीं खिला रही कि गर्मी इतनी हो रही है और मेरे को दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो में इतनी आवाज़ आती है, तो ये वजह से मैं बच्चों को गेम नहीं खिला रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती, एग्जॉस्ट फैन बंद करना पड़ता है, तो ये वजह से मैं बाहर का वीडियो बना रही थी और खाने का वीडियो बना रही थी। अभी आज बच्चे बस जिद करें, तो देखते हैं शाम में अगर ये काम जल्दी हो गया तो बच्चों को 2-4 गेम खिला लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट सब मिक्स कर दी हूँ, शक्कर भी मिक्स कर दी हूँ, और ये बहुत ही अच्छा बन गया एकदम मस्त। मैंने और सभा ने हम लोग ने टेस्ट करके देखे, तो शक्कर भी इसमें बराबर हो गई, मेरी ये शक्कर बच गई है, तो मैं खीर में पहले ये शक्कर यूज़ करूँगी, अगर मुझे कम पड़ी तो फिर मैं ये शक्कर डालूँगी, नहीं तो ये मैं पीसी हुई शक्कर ही पहला डालूँगी। सभा ने माशाल्लाह से आटा भी यहाँ गूंथ ली है, और अभी मेरे चावल सूख गए, मैं जा रही हूँ चावल पीसने के लिए, वहाँ पर दूध भी मेरा गर्म हो गया, मैं पहले खीर बना लूँगी ताकि खीर आराम से पकती रही, फिर और बाद में हम लोग पूरी की तैयारी करेंगे। अभी आटे को एक हम लोग 10-15 मिनट के लिए गूंद के छोड़ देंगे, जब तक का मैं खीर बना लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये 1 से 1.5 लीटर दूध है, मैंने अच्छे इसको कम से कम 1.5-1.25 घंटे से ये पक रहा था, ये अच्छा पक चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी ये चावल जो मैंने पीसे हूँ, ये चावल के साथ मैंने 3 से 4 इलायची डाली थी, और वो इलायची भी मैंने पीस ली थी। अब ये चावल मैं थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में डालूंगी और इसको अच्छे से हिलाते रहूँगी। मैं रजब की नियाज बहुत बड़ी करती हूँ, पर ये साल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये वजह से मैं
नियाज नहीं कर पाई और थोड़ी सी पातियाँ दिला दी थी मैं थोड़ा सा नियाज करके, यानी घर के घर में ज़्यादा बड़ी नहीं करी थी। आज मेरा दिल हुआ खीर पूरी खाने का, तो मैंने चलो आज खीर पूरी बनाते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी और मैंने यहाँ पे मिल्क मेड का एक डब्बा लाई थी तो ये डालूंगी मैं। तो सभा ने मेरे को बोली ये बहुत मीठा रहता है, पहले तुम ये डालो और चख के देखो, ठीक है। मैं ये फर्स्ट टाइम लाई, नहीं तो मैं खवा या शक्कर से ही बनाती हूँ। अभी ये मिल्क मेड डाल दूँगी मैं और इसको अच्छे से हिलाऊंगी। पहले मैं देख लूँगी इसको डाले बाद चख के इसकी मिठास इसमें कितनी है, अगर उतना मीठा मुझे बस हो गया तो फिर मैं शक्कर नहीं डालूंगी। इसको मैं अच्छे से, अब इसको मेरे को हिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मैंने चावल डाली उसके गट्टे हो जाएंगे। तो इसको मेरे को जोश आए तक अच्छे से हिलाना है। अभी इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट भी डाल दूंगी। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो ये पीसी हुई शक्कर है, पीसी हुई ये मैं डाल दूंगी थोड़ी, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो। अभी मैं इसको एक जोश आए तक ऐसे हिलाते रहूँगी। तो जैसा मेरे खीर में अच्छा सा जोश आ गया है और मैंने खीर को चख के भी देखी तो खीर मेरी मिट्टी की नहीं हुई है, तो मैं अभी इसमें 3 से 4 चम्मच शक्कर मिलाऊँगी। मैं थोड़ी सी खीर लेके चख के देखती हूँ इसमें डाल के। थोड़ा और कम है, एक चम्मच मैं और डालूंगी, अब बराबर हो जाएगी इंशाल्लाह। वो मेरी खीर को जोश भी आ गया और देखो पकते पकते मेरे दूध का और खीर का कलर एकदम चेंज हो रहा है। मेरी खीर अभी है अच्छी पक रही है, अभी इसको मैं स्लो आंच पे छोड़ दूंगी तो ये पकेगी भी और गाढ़ी भी हो जाएगी। अभी हम लोग जा रहे हैं पूरी की तैयारी करने। बेलियाँ आती नहीं रोटी, क्योंकि अभी मेरे को बहुत साल से किचन पे बेलती हूँ मैं, किचन के पत्थर पे, तो मुझे इस पर नहीं जमता है। मैं 100 रोटी 200 रोटी बना सकती हूँ, पर ये ऐसे थाले पे मेरे को पूरी बनानी है। अभी सभा के लिए कब तक बनाएंगे इसमें उसकी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग की पूरी बन के तैयार हो गई है, भरी हुई पूरी इतनी बनी है और बाकी हम लोग ने सादी पूरी बना दी है जो हम लोग खीर के साथ खा सकते हैं, और भरी हुई पूरी थोड़ी कमी बनी। अभी हम लोग इसको तलने के लिए लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ खीर माशाल्लाह से एकदम मस्त बन के तैयार है। जब ये खीर तैयार हो गई थी तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर एक चम्मच भर के अमूल का घी छोड़ी थी, इससे अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और ये मेरी घी माशाल्लाह से तैयार हो गई। गाइस यहाँ पे तेल मेरा अच्छा गरम हो गया है, फिर भी मैं एक सादी पूरी छोड़ के पहले देखती हूँ तेल गरम हो गया कि नहीं, ठीक है। पूरी के लिए अच्छा गरम तेल रहेगा तो ही पूरी अच्छी तली जाएगी, नहीं तो पूरी कड़क हो जाएगी। दो से तीन राउंड में इंशाल्लाह तेल गर्म हो गया तो फटाफट हो जाएगा। तो गाइस आप लोग भी ऐसी पूरी बना के देखना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारी मेहनत को कामयाब करो।
मैं वीडियो बनाने के टाइम पंखे वगैरह बंद करती हूँ, मेरे पे वतन है। वीडियो बनाने के टाइम पंखे वगैरह बंद करती हूँ तो मुझे गली की ही आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा है क्या बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है। पंखा एग्जॉस्ट फैन सब बंद हो जाता तो घर में सन्नाटा हो जाता है, तो बाहर की आवाज़ ऐसा लगता है कि मेरे घर में बैठ के कोई भी बात कर रहा है। और इत्तेफाक जब मैं वीडियो बनाती जब ज़्यादा होता है, जब भी कोई किसी को आवाज़ दे देता है, जब भी कोई किसी से ज़्यादा बात करता है। आज लगता नहीं बच्चों का गेम हो पाएगा, ठीक है। अभी कितना बज गया, 6:30 हो गए। अब ये करूँगी, घर की सफाई करूँगी, मगर उठ के अजान हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये छन्नी में डाल रही हूँ तल तल के, ताकि अगर इसका एक्स्ट्रा तेल जो रहेगा वो निकल जाएगा। फिर इसको एक डब्बे में डाल के रख दूँगी। अभी मेरी भरी हुई पूरी हो गई, अभी मैं सादी पूरी लेकर जाना पड़ेगा। तो गाइस हमारी पूरी तल के हो गई है माशाल्लाह से, सादी पूरी भी हो गई है, भरी भी पूरी भी हो गई है। और ये किसी के लिए मैंने पार्सल बनी हूँ, समझ जाओ मेरी बेटी है उसको मैं भेज रही हूँ ये। मैंने उसको बोली थी जब भी मैं कभी खीर पूरी बनाऊँगी तो मैं तुझे भेजूँगी, तो मैंने पार्सल तैयार कर दी हूँ। अभी अदनान आएगा और लेके चले जाएगा। अब ये खीर पूरी है, ये अभी हम लोग सब मिलजुल के खाएँगे। तो मेरा ब्लॉग और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।